गुड इवनिंग दोस्तों, मैं इस वक्त पटना से 50 किलोमीटर दूर पाली थाने में हूँ और ये जहानाबाद जिला में आता है। और इतना रिच लोकेशन आप मुंबई में भी नहीं पाएंगे। देख रहे हैं पीछे का जो लोकेशन है, ये बहुत ही पुराना महल है। और इस गांव में जितने मैंने खूबसूरत खूबसूरत घर देखे हैं, शायद मुंबई में भी इस तरह के घर नहीं मिलते हैं जल्दी। और हम लोग यहाँ पर एक जल्दी भोजपुरी और हिंदी फिल्मों की शूटिंग शुरू करेंगे, जिसके लोकेशन देखने के इस वक्त हम लोग आए हुए हैं, जिसके डायरेक्टर हैं हमारे नील सिंह मनी जी और प्रोड्यूसर उपेंद्र गिरी जी। तो ये हमारे बॉलीवुड हीरो और भोजपुरी हीरो हमारे दोस्त भाई हैदर काजमी जी के गांव है, जिस गांव का नाम है पाली। और पाली के बहुत ही पुराने बसिंदे, यानी कि 200 साल भी पुराना यहां का जो किला है उनका घर है, और काफ़ी पुराना है और उसे खूबसूरती से सजा के रखा गया है। और उस गांव में एक पार्क है, उस पार्क में इस वक्त आप लोगों से वीडियो से बातें कर रहा हूँ। हम मिलाते अपने डायरेक्टर से। नील जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। कैसा लगा लोकेशन आपको? बहुत ही खूबसूरत, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक गांव में इतना खूबसूरत सहेज के रखा गया होगा इन चीज़ों को। ये गांव का घर है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं मुंबई के किसी स्टूडियो में खड़ा हूँ। और ये आपके साथ में कौन आ रहा है? ये खूबसूरत है, ये हमारे फिल्म निर्माता उपेंद्र गिरी जी हैं। कैसा है गिरी जी? बहुत अच्छा। कैसा लगा आपको लोकेशन? बहुत अच्छा है लोकेशन, बहुत अच्छा है। तो क्या पारो की शूटिंग करने लगा आपको लोकेशन? हाँ, खोज रहे थे क्या उस तरह का? यहीं पे शूटिंग हुआ पारो का। अच्छा, इसी गांव में करना है शूटिंग। क्या नील जी, कैसा लगा? नहीं, लोकेशन तो बहुत बढ़िया है। अब इसको देखने के बाद हम अपनी स्टोरी के हिसाब से जज करते हैं। अगर हमें सब कुछ सूटेबल लगता है तो हम यहाँ पे शूट करेंगे। अच्छा, फिल्म में हीरो हीरोइन कौन है आपके? हमारी फिल्म में यश कुमार जी हैं नायक, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टाइलिश स्टार हैं, एक्शन स्टार हैं, बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं। और हमारी फिल्म में नायिका हैं पूनम दुबे जी, वो भी फिटनेस क्वीन है, बहुत ही खूबसूरत अदाकारा हैं। और भी देव सिंह और अनूप अरोड़ा, ढेर सारे लोग हैं हमारी फिल्म में। और एक अच्छी खूबसूरत गांव की एक खूबसूरत सी पारिवारिक ड्रामा है, जिसे हम गांव में ही फिल्माना चाहते हैं, गांव के ओरिजिनल लोकेशन पे। और हमें ये उस तरह का गांव दिख रहा है जो दिखने में ही खूबसूरत दिख रहा है, और ये इस गांव की खूबसूरती हमारी फिल्म को और खूबसूरत बना सकती है। तो हम अभी आए हैं यहाँ पे, ये संजय भूषण जी द्वारा ही हमें ये मिला। एकाएक इन्होंने बताया कि ऐसे हैदर सर का, उनसे भी हम मिले हुए हैं। हैदर जी बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं, बॉलीवुड और भोजपुरी इंडस्ट्री में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। ये उनका गांव है और हम यहां आए तो हमें देख के बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है कि गांव को भी इस तरह से सहेज के रखा जा सकता है। यहां हर घर एक स्टूडियो की तरह नज़र आ रहा है, खूबसूरती सजावट हर एंगल से खूबसूरत दिख रहा है, फिल्मी, एकदम कंप्लीट फिल्मी। और एक गांव का जो माहौल होता है वो भी यहां मिल रहा है, एक शहरी माहौल होता है वो भी मिल रहा है, तो हर चीज़ के हिसाब से ये परफेक्ट जगह है। बाद बाकी हम लोग देखते हैं अपनी स्टोरी और बाकी सब कंडीशंस को देख के, अगर सब कुछ हमें जम जाता है तो हम यहाँ पे फिल्म की शूटिंग करेंगे। और वो जल्द ही डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें नेक्स्ट मंथ में 10 या 12 तारीख से हमें शूट अपनी स्टार्ट करनी है। तो हम जल्द ही इसे डिसाइड करके और आगे बढ़ेंगे इस पर। तो ये थे नील मनी जी और हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, और यहाँ सारे लोकेशन दिखा चुके हैं आप लोगों को। जल्दी दूसरी वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।